हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि क्या एक होलसेलर डायरेक्टली पेशेंट को मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जो एक होलसेल ड्रग लाइसेंसी फॉर्म होती है वो बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस ही वर्क कर सकती है, वो बिजनेस टू कस्टमर वर्क नहीं कर सकती। तो एक होलसेल ड्रग लाइसेंसी फॉर्म के लिए अपना मटेरियल बेचने के लिए सामने वाले पर्सन का ड्रग लाइसेंस होना या फिर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। तो जब भी वो प्रोडक्ट सेल करने जाता है तो वो बिना ड्रग लाइसेंस या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन या दूसरा जो भी रिक्वायर्ड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होता है उसके बिना वो बिल नहीं कर सकता, वो बिजनेस टू बिजनेस ही बेसिकली कर सकता है। वो रिटेलर्स को, फार्मेसीज को, केमिस्ट शॉप को, हॉस्पिटल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, मेडिकल डिस्पेंसरीज को और एजुकेशनल और रिसर्च सेंटर्स को ही सप्लाई कर सकता है। तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती है प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। इसके अलावा वो डायरेक्टली पेशेंट को मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट भी नहीं कर सकता। उसके लिए रिटेल ड्रग लाइसेंसी फॉर्म ही पेशेंट को डायरेक्टली मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकती है, होलसेलर नहीं कर सकता। अगर एक होलसेल ड्रग लाइसेंसी फॉर्म किसी पेशेंट को डायरेक्टली डिस्पेंस करती है मेडिसिन, तो ड्रग इंस्पेक्टर या दूसरी ड्रग अथॉरिटी उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकती है और उसे उसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकती है कि आपने ये क्यों सेल आउट किया है। तो एक होलसेल ड्रग लाइसेंसी फर्म केवल बिजनेस टू बिजनेस ही कर सकती है, वो डायरेक्टली पेशेंट को मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर सकती। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।